बहुउद्देशीय वर्ग अपनी लंबित मांगों के लिए पिछले 4-5 साल से संघर्षरत है, सरकार हो या आधिकारिक स्तर पर। बातचीत भी हुई है, लेकिन सरकार ने हम या अधिकारियों की तरफ से अपेक्षित रवैया ही अपना गया है और हमारी जो मूलभूत मांगे हैं उनसे वंचित रखा गया है। किसी भी इंस्टीट्यूट में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी जिसके नाम के आगे MPSW लग गया, वो बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन का अभिन्न हिस्सा है और उनके लिए लड़ाई लड़ना एसोसिएशन का संगठन का परम कर्तव्य है। इसी क्रम में संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए जब सरकार नहीं सुन रही, अधिकारी नहीं सुन रहे, तो संगठन ने फैसला लिया है कि अपनी आवाज़ को सुनाने के लिए संघर्ष के रास्ते और तेज़ किए जाएं। तो 27 अगस्त को अम्बाड़ा में स्थित जो स्वास्थ्य मंत्री का आवास है उस पर ज़बरदस्त विशाल रोष प्रदर्शन करेंगे ताकि गूंगी बहरी सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँचे और हम अपने अधिकार और हक की आवाज़ को उन तक पहुँचा करके समस्याओं का समाधान करने का काम करें। हमारी मांगों में मुख्यतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में MPSW फीमेल की बहनें हमारी कार्यरत हैं और वेतनमान के मामले में लगभग पिछले 5 सालों से वे वंचित ही रही हैं। 2018 में 24 दिन का हमारा एक ऐतिहासिक आंदोलन और हड़ताल हुई थी, तब जाकर के MPSW वर्ग का वेतनमान 4200 हुआ था और सरकार के खुद के लागू किए गए NHM के सेवा नियमों को आधार मान करके, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, सरकार कह रही है, वे रेगुलर के पैमाने पर ही आपके सेवा नियम हैं। और पिछले 5 साल से MPSW फीमेल NHM में काम करने वाली जो बहनें उनसे उसको उपेक्षित मतलब दूर किया जा रहा है, अपेक्षित रवैया उनको लागू नहीं किया जा रहा। 4200 का जो वेतनमान है वो मुख्यतः मांग है। पहली बात तो हमारी मुख्य मांग रही है हमेशा से, सर्व कर्मचारी संघ से हम संबंधित रहे हैं और कर्मचारी हित में हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं कि हर कच्चा कर्मचारी पक्का हो। जब तक सरकार कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं करती, अपने ही दावे हैं उनके समान काम समान वेतन, तो हम उसके अंतर्गत रेगुलर कर्मचारी के बराबर में उसको 4200 वेतनमान मिलना चाहिए और सरकार को देना चाहिए, ये उनका पूरा फौरी अधिकार बनता है। इसी क्रम में रेगुलर कर्मचारी जब बराबर का डिप्लोमा है, बराबर का काम है, बराबर का संघर्ष है, सरकारी रेगुलर कर्मचारी को जो तमाम सुविधाएँ मिलती हैं वो हमारी NHM में कार्यरत जो महिला MPSW फीमेल हैं उनको भी रेगुलर के बराबर ड्रेस अलाउंस है, FT है, MCT अलाउंस है, वो भी उनका लागू होना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है और इसके लिए हम जितना भी आगे तक का संघर्ष करना पड़ा तो करते रहेंगे और सरकार से अपनी हक की लड़ाई जरूर जीत करके रहेंगे। दूसरे नंबर पर हमारी मुख्य मांग है कि आपने देखा होगा, मैं बड़े गर्व और फख्र के साथ कहूँगा कि जब कोरोना की वैश्विक महामारी आई, जब भाई भाई से दूर था, हर वर्ग अपने आप को बचाने में लगा था, तब केवल और केवल मात्र एक MPSW का एड्रेस था। आपने अपने घर में भी देखा होगा नीली पैंट और व्हाइट शर्ट पहन करके अगर कोई स्वास्थ्य कर्मचारी आकर के आपका हौसला बढ़ाया, आपको दवाइयाँ दी या ज़रूरत के अनुसार आपको रेफ़र किया, तो उसमें केवल और उस संघर्ष और संकट की दृष्टि में MPSW कैडर ही एकमात्र आम जनता का सहारा था जो उनको घर तक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई। जहां इस प्रकार की महामारी से सरकार को सबक लेना चाहिए था, मैन पावर को बढ़ाना चाहिए था या संसाधनों को बढ़ाना चाहिए था, उसके विपरीत जा करके सरकार ने MPSW वर्ग के पदों में कटौती की और वो कटौती भी फौरी तौर पर मनमानी नियमों से। सरकार ने देखना चाहिए, MPSW कैडर जनसंख्या आधारित पद है, पूरे हरियाणा प्रदेश की तमाम अलग अलग शहरों की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं, अलग अलग जनसंख्या का दबाव है। अब मान करके चलो झज्जर और चरखी दादरी जैसे छोटे शहर की तुलना में फरीदाबाद में आबादी का दबाव ज़्यादा है, काम ज़्यादा है। सरकार ने एक नियम बनाया कि हर शहर में केवल मात्र 5 MPSW और 1 MPHS मेल काम करेगा। फरीदाबाद जैसे शहर में जहाँ लाखों की संख्या है, जहाँ कर्मचारी सैकड़ों चाहिए, 5 कर्मचारी कितना काम कर पाएंगे, कितना उनके ऊपर दबाव है, ये तमाम सरकार की जो मोनोपोलियाँ हैं, कुछ अधिकारी इसमें संलिप्त हैं अपनी मनमानी नियुक्तियाँ पाने के लिए। बड़े अचरज की बात है कि सरकार नए युवाओं को रोज़गार देने के बजाय इस प्रकार की जो मोनोपोली लागू करते हैं अधिकारी, उनको रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन दे रही है और MPSW वर्ग के कैडर के जो भी पद हैं उनके ऊपर कैंची चलाने का काम कर रही है। हमारी सरकार से फौरी तौर पर मांग है
कि MPSW के जो शहरी क्षेत्र के पद समाप्त किए गए हैं, ना केवल उनको बहाल किया जाए बल्कि पूरे प्रदेश में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, जनसंख्या के आधार पर IHIPS का नॉर्म भी नया आया है। तो शुरुआत में ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 की आबादी के ऊपर एक MPSW मेल और फीमेल काम करता है। हमने उसमें भी सरकार को सहयोग दिया भी IHIPS के जो नए नॉर्म्स आए, शहरी क्षेत्र में 15,000 से 20,000 की आबादी पर एक MPSW मेल काम करेगा। तो जरूर जनसंख्या के आधार पर ना केवल नए पद स्वीकृत करें बल्कि पक्की भर्तियां भी करें, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। और इसमें अधिकारियों की इतनी मनमानी है, मैं आपके माध्यम से, मीडिया एकमात्र सहारा बचता है, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ रहा है, और आप लोगों के सहयोग से हमने पहले भी अपनी लड़ाइयाँ और संघर्ष जीते हैं, अब भी जीतेंगे। अधिकारी इस स्तर पर गफलतबाजी कर रहे हैं। एक दौर की वार्ता महानिदेशक महोदय हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं से हुई है, तो उसमें डायरेक्टर मलेरिया कह रहे हैं, वो भी जो हमने उपलब्ध करवाए सरकार को नए नॉर्म्स के अनुसार, पूरा ड्राफ्ट पूरे प्रदेश का एसोसिएशन ने तैयार करके दिया कि भाई इस शहर की इतनी आबादी, इतने इसके अनुसार पद चाहिए, उस ड्राफ्ट को तैयार करने के बावजूद मलेरिया निदेशक कह रहे हैं कि हमने उसको सरकार को भेज दिया है, जबकि हमने उसको योजना शाखा में जाकर के बात की तो योजना शाखा के अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर नकारा कि ना इस प्रकार का कोई ड्राफ्ट हमारे पास प्रपोजल में आया है, ना इस प्रकार की कोई हमारे पास बात पहुंची है। तो हमने जो नए नॉर्म्स लागू करने थे वो कर दिए। सरकार और अधिकारी की मिली भगत यहीं से साबित होती है कि एक तरफ से कर्मचारियों को बरगलाया जा रहा है कि हमने नया ड्राफ्ट, और बल्कि मलेरिया निदेशक इस बात को स्वीकार रहे, मैं आपको बकायदा रिसीविंग दे सकता हूँ या मेल के माध्यम से फैमिली उसको योजना शाखा को हमने भेजा है, लेकिन योजना शाखा उसको सिरे से नकार रही है। तो सरकार और अधिकारी इस प्रकार की बरगलाने वाली नीतियों से बाज आएँ और फौरी तौर पर इस चीज़ का समाधान करें। ना केवल जो पद काटे गए हैं, इन्होंने HRMS के माध्यम से जो भी पद में कटौती गई थी उसको डिमिनिशिंग कैडर में डाल दिया, और जहाँ से कोई साथी सेवानिवृत्त हो रहा है उस पद को तुरंत प्रभाव से ख़त्म कर दिया जा रहा है। और सरकार को जागना चाहिए, जितने पद खत्म करें वहाँ, अब हाल की जो परिस्थितियाँ, हाल में चुनौतियाँ सामने आई हैं, शहरों में डेंगू के लगातार केस बढ़ रहे हैं, काम करने वाले कर्मचारी नहीं हैं, तो कैसे मतलब जनता की स्वास्थ्य सेवाएँ निरंतर जारी रहेंगी। मैं मानता हूँ कि सरकार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और शिक्षा की मूलभूत जिम्मेदारी, जो नैतिक दायित्व बनता है एक सरकार का, अपनी प्रजा को उसके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा ये मुहैया कराए, उस चीज़ से जिम्मेदारी से भागने का काम सरकार करिए। सरकार समय रहते जागे। हम केवल और केवल मात्र कर्मचारियों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये कहीं ना कहीं आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुआ मसला है। जो कर्मचारी उनके घर तक जाकर के उनको सुविधाएं दे रहा है वो मौजूद नहीं है, तो स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। और इस आंदोलन में हमने तो सरकार से बहुत सकारात्मक प्रयास किया, ये हमने केवल और केवल मात्र सुविधाओं और व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए नहीं, हमने तो काम के तौर पर सरकार से मांगा है कि उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर माइक्रोस्कोप उपलब्ध कराए जाएँ, ताकि जो मलेरिया उन्मूलन और TB उन्मूलन का जो काम चल रहा है वो उप स्वास्थ्य केंद्र पर जल्दी से पकड़ में आए, मरीज आए उसकी स्लाइड बनाई जाए, तुरंत वहीं पर उसका चेकअप कर करके और उसका इलाज जल्दी जितना हो शुरू किया जाए। इस प्रकार से हम तो सरकार को सकारात्मकता के साथ हर कार्यक्रम में सहयोग करने की अपील कर रहे हैं। सरकार तमाम तरह के अत्याचार राजकरण पर उतारू है, हम संसाधन मांग रहे हैं, संसाधन भी नहीं देना चाह रही है। इसके अलावा बहुत सारी और भी छोटी मोटी मांगे हैं। 2018 में जब आंदोलन किया उसके बाद जो वेतनमान में बदलाव आए, वो वेतनमान भी नाम मात्र का बदल दिया गया, उसमें इतनी आज खामियां हैं कि आज जो आज का लगा हुआ कर्मचारी है और 10 साल पहले लगा हुआ कर्मचारी, वो बराबर का वेतन ले रहे हैं। ये तमाम वेतन विसंगतियां दूर की जाएं, MPSW कैडर का जो प्रमोशनल पे स्केल हैं वो खोले जाएं, ताकि इस प्रकार की जो मतलब कर्मचारियों के पे में भिन्नताएँ आई हैं वो ख़त्म हो और सब कर्मचारियों को उसकी सीनियरिटी के अनुसार वेतनमान मिले। हमारा एक और मुख्य मांग ये भी है कि सरकार ने
एक परीक्षा अपनी तरफ से लागू कर दी CET की। चलो अच्छी बात है, बदलाव होते रहे हैं और बदलाव का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारी 1999 में आकर के सरकार की सेवाओं से जुड़ा और वो आज तक कच्चा कर्मचारी होकर के 23-24 साल से काम कर रहा है, वो आज उस परीक्षा को किस प्रकार से पास कर पाएगा? वो पढ़ाई से टच से दूर हुआ है, अनुभव के तौर पर उसके पास काफ़ी कुछ मादा है, खासकर सरकार के काम में अनुभव ही काम आता है। तो NHM की जो बहनें हैं उनको अनुभव के आधार पर CET की परीक्षा से छूट प्रदान की जाए और नियमित भर्ती में उनको अलग से कोटा प्रदान किया जाए। इन तमाम मांगों के लिए सारा प्रदेश का बहुउद्देशीय वर्ग आगामी 27 तारीख को स्वास्थ्य मंत्री आवास अम्बाड़ा में रोष प्रदर्शन करेगा, और उसके बावजूद भी सरकार अगर नहीं जाग रही है तो निश्चित तौर पर वहीं से कोई और मजबूत फैसला लेकर के, हड़ताल हो या कर्मी कंसन हो, वो संगठन का लोकतांत्रिक तरीके से फैसला लेकर के अगला आंदोलन का कदम हम बढ़ाएंगे। हम सरकार से विनम्र अपील करते हैं कि समय रहते जागे, हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनके ऊपर अपना ध्यान दें और हमारा समाधान निकालें। और मजबूरन अगर कर्मचारियों को आंदोलन में धकेला जाएगा, उसे आम जनता को जो परेशानी सामने आएगी उसमें सीधी सीधी सरकार और अधिकारियों की जिम्मेदारी बनेगी। हमारी तो पुनः सरकार से यही अपील रहेगी कि समय रहते हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए।